नवीन बेटा, कुछ सुना तुमने? जी सुना तो है। और देखो तुम कितनी तारीफें करती थी, अब देखो रिश्वत लेता है, और भी बुरा। आपको यकीन है कि वो रिश्वत लेता है? नहीं, इसमें ना यकीन करने वाली कौन सी बात है, इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है। फरिश्ते की बात नहीं है अम्मा, बस वो तो खुद बुराइयों को खत्म करना चाहता है। मैं नहीं समझा सकती आपको उसके बारे में। अच्छा अच्छा, अब जीशान शाह के सामने आरिफ के कसीदे ना पढ़ने बैठ जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अब जीशान शाह से मंगनी हो गई है। वो बड़ा आदमी है, तुम्हारे मुंह से आरिफ का नाम सुनेगा ना तो हो सकता है किसी शक में मुब्तला हो जाए। क्यों, इतना कमजोर ताल्लुक जोड़ा है आप लोगों ने मेरा उस? मतलब ये है बेटा कि अब तुम जीशान शाह की अमानत, जरा इन बातों का ख्याल रखो। मैं जीशान शाह की अमानत कैसे हो गई? क्या अपने लिए कुछ नहीं हूँ? बचपन से आप लोग मेरे लिए फैसले करते रहे, अब जीशान शाह करेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा आपने जो कहा मैंने किया, लेकिन एक बात मेरी भी याद रखिएगा, मेरी जिंदगी का फैसला एक दिन आप लोगों को ये सोचने पे जरूर मजबूर करेगा कि औलाद हमेशा गलत फैसले नहीं करती, कभी कभी माँ बाप से भी गलत फैसले हो जाते हैं। तुम्हारा मतलब ये है कि हमने जो तुम्हारी शादी का फैसला किया है जीशान शाह से वो गलत है? मैं ये नहीं कह रही, मैंने अब अपनी जिंदगी वक्त के हाथों सौंप दी। नवीन अब तुम्हें ये बातें जेब नहीं देती। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे अब सिर्फ खामोशी जेब देती, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, बेटा नहीं। अम्मा मैंने जो कुछ भी आपसे कहा वो सच है, मगर फिर भी आप अब्बा को ये सब मत कहिएगा, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी दुख पहुंचे। और आप भी परेशान मत होइएगा, मैंने ये मंगनी की है और अब मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी, चाहे मैं खाक क्यों ना हो जाऊं। बहुत मियारी कलाम है, ख्वातीन के हवाले से जितनी गहराई से आपने अपने जज्बात को शायर में ढाला है बहुत अहम है, लेकिन ये काम अधूरा। क्या करूं वकार साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये काम मुकम्मल कर लूं, लेकिन मेरी जहनी हालत मुझे इजाजत ही नहीं दे रही। मैं आपकी उलझन को समझ रहा हूं नवीन महर, लेकिन जिंदगी में बड़े काम छोटी छोटी रुकावटों से गुजर के ही किए जाते हैं। ये रुकावटें मेरे इख्तियार से निकलती जा रही हैं जिन्हें मैं खुद से दूर नहीं कर सकती। वैसे मैं समझता हूँ कि जो काम बाकी हैं वो आप शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती हैं। अभी मैं इतने आगे की बात सोचने की पोजीशन में नहीं हूँ, मेरा कल क्या है किसे मालूम। वैसे मेरे जीशान शाह से अच्छे मरासिम हैं, अगर आप कहें तो मैं बात कर लूँ। आपको कैसे मालूम कि मेरी शादी जीशान शाह से हो रही है? अरे भाई आप दोनों की मंगनी की खबर तो दबे पांव जगह जगह पहुंच रही है। असल में जीशान शाह काफी मकबूल हैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी में। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जीशान शाह को मेरे हवाले से कोई बात नहीं कीजिएगा, मैं अपनी जिंदगी किसी के एहसानों पर बसर नहीं करना चाहती। ये आरिफ साहब का मसला हल हुआ? नहीं, मेरे इल्म में नहीं। आपके इल्म में नहीं है? ये तो बड़ी हैरत की बात है। आजकल हैरत की बात कोई रही नहीं, जिंदगी ने सबसे इख्तियारात वापस ले लिए। जिंदगी ने सबसे इख्तियारात वापस नहीं लिए बल्कि जिंदगी ने बेईमानी की है, कुछ लोगों से इख्तियारात छीन कर कुछ लोगों में बांट दिए हैं, और वो शायद जिंदगी के पसंदीदा लोग थे। आपको क्या बताना वकार साहब, जिंदगी कुछ देकर वापस ले ले तो बहुत दुख होता है।
देखिए, मैं फिर भी चाहूंगा कि आप किसी तरह अपना काम मुकम्मल कर लें। ये इंटरव्यू तुम्हें जरूर करना है। सर, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ और शहर से बाहर भी नहीं जा सकती। अरे, वो गांव दूर ही कितना है। सुबह मुल्तान की फ्लाइट पकड़ो, बस का सफर करके 1 से 1.5 घंटे में वहां पहुंच जाओगी। ये चौधरी आलमदीन है क्या शख्सियत? नाम से तो कोई आलम फाजल लगता है। अरे नहीं, अनपढ़ है। गांव का अमीर तरीन जमींदार जरूर है, लेकिन अफसोस वाटर माफिया का हिस्सा है। यानी ये कि वो झीलों से पानी चोरी करके अपनी जमीनों को सैराब कर रहा है और छोटे काश्तकारों को इतना पानी नहीं मिल रहा जितनी उन्हें जरूरत है। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, इस इंटरव्यू से कोई फर्क पड़ने वाला है? जरूर। देखो, कानून नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उन समाजी और माशर्ती बुराइयों की निशानदेही करना है जिनकी इसलाह होनी चाहिए, और लोगों को शऊर देना भी हमारी जिम्मेदारी है कि उनके हकूक क्या हैं और उन पर डाका कौन डाल रहा है। और अगर ये सवाल सुन के वो उछल पड़ा तो? उछल पड़े तो उछलने दो। वो पानी चोरी करके जुर्म कर रहा है। पानी पर सबका हक है। वो अपने रिसोर्सेज यूज करके नहरों का पानी अपनी जमीनों की तरफ मोड़ रहा है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी जहनी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। अगर ये रुकावटें हमें अपनी जिम्मेदारियों से रोके तो सोचो कितना बड़ा खसारा हो सकता है। मैं समझती हूँ खुरम साहब। समझती हो तो सफर की तैयारी करो। और हाँ, आलमदीन की जमीनों और उन नहरों जिनका पानी वो अपनी तरफ मोड़ रहा है, उसकी फुटेज जरूर बना लेना। वो के वहां उसके आदमी पहरा दे रहे होंगे, जरा देखभाल कर। मैं देख लूंगी। आई विश यू गुड लक। अरे, आरिफ जर्नलिस्ट अभी तक नहीं छूटा। छूटेगा भी कैसे, वो तो माफिया वैसे शिकंजे में फंसा हुआ है कि बता ही नहीं सकता मैं तुम्हें। वैसे मैं उसके सोशल मीडिया पे जब आर्टिकल पढ़ता था तो मेरे को लग रहा था कि कुछ वो बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। यार, बात ये है कि उसको सोचना चाहिए था कि किस वक्त क्या बात कर रहा है। अब तो कोई पावरफुल शख्स ही बचा सकता है, वरना ऐसे ऐसे केसेस में फंसा देंगे, सारी जिंदगी उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे थे। हेलो। हाँ सबाहत, कैसी हो? क्या देख रही हो? तुम्हें पता है हवालात में तुम इस वक्त कैसे लग रहे हो? कैसा? जैसे किसी ने शेर का शिकार किया और इसे पिंजरे में बंद कर दिया। मेरा शिकार नहीं कर सकते ये लोग। अगर इन लोगों को लगता है कि इन्होंने मेरा शिकार किया तो गलत है ये। शिकार तो तुम हुए हो, एक मामूली सी लड़की के जरिए उन्होंने तुम्हें शिकार तो कर लिया। यकीन नहीं आ रहा वो मासूम लड़की ऐसा भी कर सकती है। खुदा के लिए अपनी ये सोच छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि मैं गांव जा रही हूँ एक दिन के लिए किसी का इंटरव्यू लेने, बस फौरन लौट आऊंगी। वकील साहब ने तुम्हारे पेपर्स फाइल कर दिए हैं, कोशिश करें। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे आज के टॉक शो की मेहमान शख्सियत है चौधरी आलमदीन साहब। बड़े जमींदार हैं, आपके साहबजादे पिछली हुकूमत में एमएनए रह चुके हैं, आजकल अपनी जमीनें संभाल रहे हैं। आइए चौधरी आलमदीन से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी।
चौधरी साहब, आपके बारे में ये तो सब जानते हैं कि आप एक जमींदार हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम लोग आप पे लगा रहे हैं, वो ये है कि आपने नहर काट कर पानी का रुख अपनी ज़मीनों की तरफ कर लिया है। आपके खेतों को पानी वाफिर मिकदार में मिल रहा है, जबकि आम काश्तकार इस वक्त परेशान हैं, उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा। क्या ये बात सही है? देखें जी, आपकी बात के जवाब यह है कि मेरे खेतों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और वो तो मैं हासिल करूँगा ही, और वैसे भी ये सब मैं अपने वसाइल पे करता हूँ। लेकिन फिर आम काश्तकार का क्या, उनके पास तो वसाइल नहीं है, फिर वो अपने खेतों की आबियारी कैसे करें? देखे मोहतरमा, ये काम मेरा नहीं है, ये हुकूमत से पूछे जाएंगे। हुकूमत से जी तो बात की थी, और फिर सारी निशानदेही सब इशारे आपकी तरफ हैं, तो इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, आप अपने शौक से देखें दीजिएगा हमारे। ठीक है नाज़रीन, तो ऑन रिकॉर्ड हमने चौधरी अलमदीन से ये वादा लिया है कि वो अपनी ज़मीनें हमें दिखाएंगे, और हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। नोमी, वो देखो वहाँ से नहर का पानी आ रहा है ना, उसकी फुटेज मुझे चाहिए। वहाँ से जहाँ से पानी आ रहा है चौधरी अलमदीन के खेत में, उसकी भी मुझे पूरी फुटेज चाहिए। और अगर तुम्हें कोई रोके ना, तो किसी से उलझना नहीं, बस चुपचाप बना के ले आना, मुझे जरूरत है पानी। जी, ये काम तुम्हें बहुत खामोशी से कर दिया। ठीक है, तो फिर जाओ। चलो साहब जी, मैं फाफरा बोल रही हूँ। गांव में कोई लड़की मेरे पीछे लग गई है, आरिफ साहब के घर में ही होती है, शायद उनकी रिश्तेदार है। आप बताएं मुझे मैं क्या करूं? जी, आप? जी, मैं बात कर रही हूँ। लगता है आज किस्मत हम पे बहुत मेहरबान है, आपके बारे में सोचा और आपका फोन आ गया। एक्चुअली मुझे आपसे बहुत जरूरी मिलना था आज ही। जरूरी मिलना? तो आप हुक्म कीजिए, मैं आपके घर आ जाता हूँ। नहीं, आप यहाँ नहीं आए, हम क्या कहीं बाहर मिल सकते हैं? जहाँ आप चाहें, जहाँ आप कहें।
ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करके बताती हूँ। ये दोनों पैकेट मुझे सीढ़ियों पे ही किसी ने दे दिए थे। तुमने पैकेट रखने के बाद आरिफ साहब को बताया था? नहीं साहब, रात को देर से आए थे और जब तक मैं सो चुकी थी। सुबह शराब की बोतल देखी तो मैं डर गई। साहब सो रहे थे और बड़ी बेगम साहिबा मार्केट गई हुई थी। मैं वहाँ से डर के भाग गई क्योंकि मुझे शराबी मर्दों से बहुत डर लगता है जी। वो क्यों? मेरा बाप भी शराबी था, मेरी माँ को बहुत मारता था, इसीलिए मैं वहां से भाग गई। ठीक है, तुम जरा बाहर बैठो। सुमेरा साहबा, इस लड़की ने जो बताया है उससे तो केस बिल्कुल आसान हो गया। दरअसल एक पॉइंट ऐसा है इसकी बात में जो उसे खुद भी याद नहीं। वो क्या? शराब की बोतलें, वो कहां से आई? अगर ये बात साबित हो गई कि शराब आरिफ साहब ने पी है तो केस पूरा उनके खिलाफ हो जाएगा। और वो इंस्पेक्टर बहुत टेढ़ा आदमी है, एक नंबर का रिश्वतखोर। तो रिश्वतखोर है तो कोई लालच दे के देखते हैं उसे? जी नहीं, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो लोग ये खेल खेल रहे हैं उनके हाथ में पॉइंट लग जाएगा और ये केस मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, क्या करना चाहिए? थोड़ा सब्र करें, मैं इस केस को बारीक बीनी से देख रहा हूँ। मुझे यकीन है कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। और जो आरिफ साहब को फंसाने की कोशिश कर रहा है वो यकीनन कोई सियासी शख्सियत है जो अब तक फंसे पड़ता है। प्लीज वकील साहब कुछ कीजिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आरिफ इस वक्त किस जहनी कर्ब से गुजर रहा होगा, टूट फूट रहा होगा अंदर से वो। ऐसी बात नहीं है, मैं जब भी आरिफ साहब से मिला हूँ मुझे पुरअज़म नजर आए। उनकी आंखों में कोई खौफ और शर्मिंदगी नहीं देखी मैंने, वो एक पुरएतमाद इंसान है। पुरएतमाद तो है लेकिन अंदर से बहुत हसास इंसान भी है, औरों का दुख चाट जाता है उसे। मैंने इसलिए आपको रिक्वेस्ट की कि हम यहीं दफ्तर में मिल लेते हैं, पब्लिक प्लेस पे मुझे जाना कुछ अच्छा नहीं लगता, अपने से ज्यादा आपकी रेपुटेशन फिक्र। इसीलिए मैंने आपसे दरख्वास्त की कि बेहतर है हम यहाँ ऑफिस में मिलना। बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मुझे समझ नहीं आ रही कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप उसके बारे में क्या मतलब निकालेंगे, क्या समझेंगे, मगर इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं वही समझूंगा जो आप चाहेंगे। आप जानते हैं कि मैं और आरिब एक साथ काम कर चुके हैं। आरिब का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है जो हम यहाँ बैठ कर उसका जिक्र कर रहे हैं? जी आपका ताल्लुक नहीं है, मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। पसंद नापसंद की बात नहीं है, मुकाबला नहीं, बड़ा मुतवस्सित सा जर्नलिस्ट है वो बेचारा। जी मैं ये भी जानती हूँ कि वो आपकी तरह बड़े आदमी नहीं है। चलिए अगर आप कह रही हैं तो मान लेता हूँ। एक आर्टिकल लिखा उसने और उस आर्टिकल में उसने मेरे कुछ करीबी दोस्तों को निशाना बनाया जिससे खासी दुश्मनियाँ पैदा हुई उनके लिए। जी बाखूबी वाकिफ हूँ मैं इस बात से, अरे जरा मुख्तलिफ है, क्या कहेंगे वो इनकलाबी सोच रखता है। इनकलाबी सोच, लेकिन ये प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये तो कुछ और ही कह रहे हैं उसके बारे में। गलत कहते हैं, साजिश है उसके अगेंस्ट। इतना यकीन उसके किरदार पर? दुनिया तो आपके बारे में भी बहुत कुछ कहती है ज़ीशान शाह साहब, मगर मैं एतबार नहीं करती। मैं जानती हूँ कि आप बुरे आदमी नहीं हैं, ने करीब से तो देखा है मैंने आपको। अच्छा रियली? इतना बखौर देखा आपने मुझे? और मैं यही समझता हूँ कि आप मेरी तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखते। अच्छा
अच्छाई की यही खसूसियत है कि उसकी जानब बेख्तियार नजर उठती है। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। अब बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये काम बहुत आसान है, बहुत ऊंची पहुंच है आपकी, काफ़ी लोगों पर आपकी शख्सियत का असर है। तो देखिए, मुझे लोगों से कोई हर्ष नहीं है कि मेरा उनके क्या असर है। हाँ, इस असर की जरूर परवाह है जो मेरा आपके दिल पर है। आरिफ की रिहाई करवा दी। डन। और कुछ? कॉफी? श्योर। दो कॉफी जल्दी। तो कोई मसला आपके लिए? अगर मतलब, मेरा मतलब है कि मैं नहीं चाहती कि आपको एक अलग पोजीशन में डालूं। आसान होगा, राइट? ठीक है, थैंक यू। जरूर नहीं। हेलो साहब, मैं फाखरा बोल रही हूँ। जी, काम हो गया। जी सर, हुकुम। जी जी सर, आप कहते हैं तो छोड़ देते हैं। जो हुकुम सर। जी, FIR तो कट चुकी है सर। ठीक है सर, वो कोई मसला नहीं है, उनके वकील और रिश्तेदार इधर आए हुए हैं। जैसा आप कहें सर। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, साहब का ऑर्डर आ गया है, असल मुजरिम पकड़ा गया है और आरिफ साहब बेकसूर हैं। आप लोगों ने बाइज्जत तौर से गया। मैं तो जमानत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ कबाहत थी। फिर उन्होंने कहा कि असल मुजरिम पकड़ा गया। ये असल मुजरिम है कौन? अल्लाह जानता है कि मुजरिम कौन। अब तो मुझे लगता है इस मुआशरे का मुजरिम मैं खुद ही। क्या बात कही आपने। वाकई में माशा इतना टेढ़ा हो चुका है कि जब तक इसे टेढ़ेपन से नहीं देखो सीधा नजर नहीं आता। इधर आओ। देखो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने ये बात मान ली है कि तुम्हें मेरे खिलाफ किसी ने इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे बताओ, वो शराब की बोतलें किचन में किसने रखी? मैं सच कह रही हूँ साहब, किसी ने मुझे सीढ़ियों पे ये पैकेट दिए थे। और वो बॉटल्स? वो भी उसी ने दी थी और कहा था कि किचन में रख देना। मुझे क्या पता साहब ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, मैं इतबार कर रहा हूँ, तुम ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और मेरा मशवरा है कि तुम वापस अपने गांव चली जाओ, इससे पहले कोई और तुम्हें इस्तेमाल करे। जी साहब, ठीक है। तुम एक समझदार लड़की हो, किसी के बहकावे में आके दूसरे शख्स की जिंदगी से मत खेलो। आबद में छुड़वा देती हूँ किसी के हाथ। चलो। हेलो जी, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फोन इसलिए किया था कि आपका हुक्म बजा लाया हूँ। क्या मतलब? वो जो जर्नलिस्ट है अरब, रिहा हो गया है बाइज्जत। आप सच कह रहे हैं? काम तो बहुत मुश्किल था क्योंकि सबूत घर से निकले हैं। खैर, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि अरब शराब और मंशियात में इन्वॉल्व है या नहीं। चूंकि हुक्म आपका था इसलिए हमने पूरा कर दिया। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। अजनबियों की तरह बात मत कीजिए, इसमें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी गुजारनी है आपके साथ। कौन कौन सी बात पर शुक्रिया कहती रहेंगी आप? आपने जितना किया है वही काफी है। अच्छा, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आपको भी मेरा एक काम करना है। जी बताइए, कौन सा काम? पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप इनकार नहीं करेंगी। आप बता दीजिए मुझसे, अगर हो सकेगा तो मैं कर लूंगी। कुछ जरूरी बातें हैं जो करना चाह रहा था आपसे, लेकिन वो बातें आपके वालिदैन के सामने नहीं हो पाएंगी। कौन सी बातें? अरब जर्नलिस्ट के हवाले से। जी बताइए, कहाँ आना है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई यहाँ पे। नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, आपने इतना बड़ा फेवर किया मेरे लिए। नहीं नहीं, प्लीज, कहने की जरूरत नहीं है आपको। बस देखिए ना, हम दोनों मंगेतर हैं, कल को हमारी शादी होने वाली है, हम एक दूसरे के हो जाएंगे। एक दो चीज़ें थी मेरे जहन में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिल के वो चीज़ें क्लियर कर ली जाए। आप जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। बस मैं यही जानना चाह रहा था, वो जो आरिफ लड़का जिसकी सिफारिश की आपने, तो कोई खास वजह? आप तो जानते हैं कि हम एक दूसरे के साथ काम करते थे, और ना तो उसने मुझे आपसे सिफारिश का कहा, और ना ही उसको ये खबर है कि आपने उसके लिए ये काम किया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता कि छोटे छोटे एहसान के साथ मेरा नाम जोड़े। मैं ये भी चाहूँगा कि आपका नाम किसी भी हवाले से किसी दूसरे के नाम के साथ आए। आप जो कुछ पूछना चाह रहे हैं उसका जो भी पहलू है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी सोच और मेरा ताल्लुक सिर्फ आप तक महदूद है, और आई होप कि इस ताल्लुक का पूरा एतबार देंगे आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल, और होना भी ऐसा ही चाहिए। और क्या चाहिए, आपकी वफा, आपका एतबार। सच पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने अब्बा के लिए उस दिन हॉस्पिटल में किया। उस चीज ने मुझे आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। नॉट टू बी मेंशन जी, नॉट टू बी मेंशन प्लीज। वो कहते हैं ना जी कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी हर शय से आप प्यार करते हैं। वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे आपने हमदर्दी की नजर डाली वो आरे बाहत के केस पर, अच्छा लगा मुझे। वरना ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं है मेरी नजर में। आइए मैं आपको वो अपना घोड़े दिखा, जानवरों से दिलचस्पी होगी आपको। जी जी, मैंने अभी परसों एक घोड़ा खरीदा है। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो, खर्चे के लिए काम आएंगे। और मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें मुलाजमा रख नहीं सकता। साहब जी, मैं जानती हूँ, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, डर की वजह से कह नहीं पाई। क्या बात है, क्या नहीं कह पाई, कहो। साहब जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप, बड़ी बेगम साहिबा, सुमेरा बीबी सब बहुत अच्छे हैं। साहब जी, आपके खिलाफ सब साजिश कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। जो तुम कहना चाह रही हो मैं पहले ही समझ गया, और ये भी जानता हूं कि मेरा दुश्मन कौन है, और ये भी जानता हूं कि जो कहानी तुमने अपने बारे में सुनाई है वो झूठ है। मगर मैंने सबके सामने तुम्हारे झूठ का पर्दा रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम ऐसे नहीं हो, तुम खुद किसी का नुकसान नहीं कर सकते, मगर तुम्हें इस मकसद के लिए मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, यही बात है ना? साहब जी, मुझे माफ कर दें। अरे अरे पागल लड़की, पीछे हटो, क्या कर रही हो, उठो।
आप जी मुझे माफ कर दें, मैं आपसे, सुमेरा बीबी से, बड़ी बेगम साहिबा से सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूँ। नहीं साहब जी, मुझे आप बस में बिठा दें, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, सुमेरा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे लाई थी, अब तुम्हें खैरियत से घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। साहब आप किसी को कुछ नहीं बताइएगा कि मैंने आपको कुछ बताया है, वरना वो। फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चलो। वालेकुम सलाम, आइए आइए, आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम साहब, आइए आइए। कैसे आप जी? खुशी होगी। क्यों बेटा, खैरियत है ना? एक जरूरी बात करना थी तो मैंने मुनासिब यही समझा कि खुद आ जाऊं आपके पास। हाँ बताएं बेटा, क्या बात है? मैं चाह रहा था कि अगर हम नवीन को भी बुला लेते, वो भी बैठ जाती यहाँ, तो उनके सामने भी बात हो जाती, बार बार बात करने का कोई फायदा नहीं। हाँ मैं लेकर आती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी आजकल कुछ मेरी जायदाद के मसाइल चल रहे हैं। पिछले दिनों एक होटल भी खरीदा मैंने, बस वकील उसके कागजात मुकम्मल कर रहे थे। वकील से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहा था कि मेरे वालिद की वसीयत के मुताबिक मुझे इस महीने शादी कर लेनी होगी, और जैसे ही मेरी शादी हो जाती है तो मेरी जायदाद का जो 25% है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मेरी बीवी के नाम हो जाएगा हर हाल में। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा था जी कि अगर इसी हफ्ते हमारी शादी हो जाती तो अच्छा था। अब किसी और की हो चुकी हूँ अरब, इसलिए अब तुम्हारी तरफ पलट के नहीं देखना चाहती। ठीक है, मुबारक हो तुम्हें। एक चीज की कमी थी, एक कीमती चीज की कमी थी इस घर में, और वो कीमती शय मैं लेकर आया हूं। और ईशान शाह जो इरादा कर लेता है वो हासिल कर लेता है, ये मिसाल है उसका। मेरे दोस्त, मिजाज का तू बादशाह है, ये हम सारे दोस्त तुझे अच्छी तरह जानते हैं, मगर मेरे बादशाह तू दोस्तों को भूल गया यार। मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है।